नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। 15-16 जून से गर्मी से राहत मिलने की संभावना, रात दिन पड़ रही है भीषण गर्मी, लखनऊ में सड़कों पर पसरा सन्नाटा। आपको बता दें कि दिन की भयावह गर्मी के साथ ही रात की गर्मी भी गजब ढा रही है। शनिवार को दिन का तापमान 44 डिग्री के करीब तो रात का तापमान भी 31 के नजदीक पहुंच गया है। दिन भर की भयंकर गर्मी काटने के बाद लोगों को उम्मीद रहती है कि रात में उन्हें गर्मी से निजात मिलेगी, लेकिन अब यह भी नहीं हो रहा है। न्यूनतम तापमान भी 31 के करीब पहुँचने से रात को भी पसीने छूट रहे हैं। दिन में लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे। मौसम निदेशक ने जानकारी दी है कि फिलहाल अगले 5 दिन तक भयंकर गर्मी का दौर जारी रहेगा, लेकिन 15-16 जून से गर्मी से राहत मिल सकती है। लखनऊ के साथ ही आगरा, झांसी, बनारस और कानपुर सहित कई जिलों में लू चलनी शुरू हो गई है। लखनऊ का तापमान भी बढ़कर 43.6 डिग्री तक पहुंच गया है। गर्मी को देखते हुए लोग ऑफिस या घर की छांव में ही दुब के रहे। पशु पक्षियों ने भी छांव की तलाश की। गर्मी का ताप इतना है कि अपराह्न 12 बजे के बाद ही वही लोग सड़कों पर दिख रहे थे जिन्हें बाहर जाना बहुत जरूरी हो। शनिवार को बांदा सबसे अधिक गर्मी वाला जिला रहा। 2 बजे तक सड़कें भी सुनसान हो जा रही हैं। शनिवार को बांदा सबसे अधिक गर्मी वाला जिला रहा। यहां का तापमान 46.2 डिग्री पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि लखनऊ सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों का तापमान और बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि रविवार से गर्मी और प्रचंड होती जाएगी, इसीलिए दोपहर में बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। गर्मी में बाहर निकलने पर अधिक से अधिक पानी व तरल पदार्थों का उपयोग करते रहें। संवाददाता आरती सचदेवा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।